एग्जाम पैटर्न या स्कीम ऑफ एग्जाम बीएड एंट्रेंस टेस्ट पंजाब विच जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है उसकी की होएगी इतने पहले का डेट दिती गई है कि किस डेट नू कंडक्ट होना है 30 जुलाई 2023 नू संडे और ये 2.5 घंटे का एग्जाम होएगा जो कि 10:30 बजे तो 1 बजे तक चलेगा। सो ये जेडे तुहानू सैट आने हन ए बी सी ऑफलाइन है ये ऑफलाइन विच ए बी सी डी सैट आने उसके मुताबिक ये तुहानू एक्सपीरियंस होएगा उसके मुताबिक तुसी अपने आंसर देने हन मतलब एक दा दूसरे नाल क्वेश्चन मैच करते होंगे लेकिन क्वेश्चन का ऑर्डर मैच नहीं करता होंगे ए बी सैट का यह मतलब होंगे है कॉपी नू नकल नू बचाने लई यह जरूरी होंगे है। सो स्कीम ऑफ एग्जाम की है सिलेबस की है उसका मोटा मोटा जड़ा है जे डिटेल विच सिलेबस देखना है नीचे लिंक दिता गया होएगा ऑलरेडी वीडियो पा चुका हाँ। सो जनरल अवेयरनैस टैसट के 30 क्वेश्चन होंगे एम सी क्यू और 4 ऑप्शन होंगे एक राइट आंसर होएगा उसनों तुसी टिक करना है जे राइट आंसर हो जाता है तो थोड़ा 1 मार्क गिने जाता है सब कुछ तुहानू पता है। सो 30 मार्क्स का जनरल अवेयरनैस टैसट होएगा टीचिंग पोटेंशियल का इसकी एक्सरसाइज करके तुसी ज़्यादा मार्क्स लै सकते हो ईजीली बस नुकतियां नू समझना है ये भी 30 मार्क्स का होएगा 30 MCQ होंगे। जनरल मैंटल एबिलिटी ये थोड़ी मेहनत की लोड़ होएगी जेडे मैथ्स साइंस की बैकग्राउंड रीजनिंग की बैकग्राउंड तो नहीं हन उन्होंने मेहनत करनी पेगी। सो अभी 30 मार्क्स 30 MCQ क्वेश्चन इंग्लिश कंपलसरी फॉर ऑल कैंडीडेट्स कोई ऑप्शन नहीं है एक पैराग्राफ ये होएगा 30 मार्क्स क्वेश्चन बाकी सिर्फ एक पैराग्राफ चो 4-5-6 क्वेश्चन आते हैं बाकी अलग तो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर वगैरह से 30 मार्क्स का पंजाबी जिन्होंने 10वीं तक पंजाबी पढ़ी हुई है वो पंजाबी ही लैणगे उन्होंने कंपलसरी है 30 मार्क्स और 30 MCQ होंगे जेकर पंजाबी नहीं पढ़ी तो वह हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं जो 10वीं तक नहीं पढ़ी। टाइम ऑफ एग्जाम की होएगा गल कर चुके हाँ 10:30 बजे तो 1 बजे तक 2.5 घंटे का एग्जाम होएगा 30 जुलाई नू संडे। नैगेटिव मार्किंग होएगी नहीं नैगेटिव मार्किंग कोई नहीं होएगी सो नैगेटिव मार्किंग जो नहीं है इट मीनस तुम गैस वर्क लगा सकते हो मेरिया 5, 7, 8 वीडियो सिर्फ इसे तो होनगियाँ कि गैस वर्क किस तरह लगाना है पिछले पेपरों में किहड़ियां पेपर सेंटर ने गलतियां कीतियां हन जिन्हां नू फड़ के तुसी बिना नॉलेज दे जां घट नॉलेज दे जां अधूरी नॉलेज दे तुसी राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। क्वालीफाइंग मार्क्स किन्ने ने जेकर तुसी इस टैसट विचों पास करना चाहते हो तो मिनीम मार्क्स रखे गए हैं एक तो ये दस्या गया है कि जेडे 85% 85% पंजाब कोटे भरते हैं मतलब जेडे स्टूडेंट पंजाब विच रह रहे हैं उन्होंने 85% कोटा सीट्स होंदिया उन्हां बच्चों चो जिन्हां ने 10th पास की है रूरल एरिया तो 12वीं पास की है रूरल एरिया तो वह DEO तो साइन हैड तो अपने स्कूल टीचर स्कूल हैड तो साइन करवा लेंगे ने उन्होंने पता है श्योर है तो वो क्लेम करते हैं उन्होंने 1% मार्क्स जेडे ने एक्सट्रा दिते जाएंगे रूरल एरिया दे इट मीनस क्वालीफाइंग मार्क्स दे विच ऐड हो जाएंगे लेकिन फिर भी हर हालत कैटेगरी के मुताबिक पास होने लिए किन्ने क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने पैणगे जां मार्क्स लैने पैणगे वो है कि जनरल कैटेगरी लिए सी कॉमन एंट्रेंस टैसट 25% मार्क्स जनरल कैटेगरी लिए और 20% मार्क्स लेने पैणगे जेडे SC ने ST ने परसन विद डिसेबिलिटी इतने नहीं लिखा होया जां उन्हां नूं नहीं कंसीडर किया गया इट मीनस बाकी सारे OBC वो सारे इन्हां विच आंदे ने सिर्फ SC ST नूं 20% है बाकियां नूं कोई छूट भी नहीं है। सो ये बहुत औखा टास्क नहीं है ध्यान नाल देखना एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन दीआं 4 ऑप्शन ने 1, 2, 3, 4 और इन्हां 4 विचों 1, 2, 3, 4 इन्हां विचों 1 राइट आंसर है ठीक जे असी प्रोबेबिलिटी दे बेस ते चलते हाँ तो 25% गैस की संभावना रहिंदी है। सो मेरे ख्याल विच तुहानू 20-25% का नॉलेज होएगी ही सो 20-25% नॉलेज है 20-25% गैस है 50% मार्क्स तुसी आसानी ना लै सकते हो इस तो वध लैने हन तां
पिछले पेपर सॉल्व करके जां जिहड़ियां जीके दियां वीडियो मेंटल एबिलिटी दियां वीडियो बाकी पेपरां दियां वीडियो पंजाबी इंग्लिश दियां पा रहा हाँ उन्हां नूं देख सकदे हो। सो क्वालीफाइंग मार्क्स तो अगे जाके तुसीं फायदा इसका यह होएगा सिर्फ क्वालीफाइंग मार्क्स जे तुहाडे घट मतलब मार्क्स घट ने सिर्फ क्वालीफाई नूं देखदे हो फिर तुहानूं कॉलेज ते सबजैक्ट कॉम्बीनेशन दूर जां घट मिलन दी संभावना है, ज़्यादा नहीं है बहुत घट है, पर जे तुसीं थोड़े मार्क्स लै जांदे हो आसानी नाल तुहानूं तुहाडा मनपसंद दा कॉम्बीनेशन जिहड़ा तुहानूं गवर्नमेंट जॉब वल लैके जा सकता है वह मिल सकता है और तुहानूं वह कॉलेज जिथे तुहाडी फीस घट है जिथे तुसीं नज़दीक रहिंदे हो जिथे तुहानूं क्लासां अटेंड करनियां सौखियां रहिंदियां हन जां जिहड़ा कॉलेज अच्छा है एक कई कॉलेज दा कल्चर अच्छा हुंदा है सो वह जे तुसीं उत्थे प्राप्त करना चाहते हो तां तुसीं थोड़ा जिहा मेहनत थोड़ी जी मेहनत करके गेन कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।